Hey guys, welcome back to my channel. This is Sangeeta's Cakes and More. So, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया स्नैक्स जिसे हम कहते हैं क्रिस्पी पनीर और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है. So, let's start with our ingredients. तो यहाँ पर मैंने जो लिया है उसमें है एक नाचोस चीज़ का पूरा पैकेट जो मैंने बारीक तोड़ कर ऐसा कर लिया है. इसको कुछ भी नहीं करना है आपने, बस ये इस तरह से इसे तोड़ा जाएगा और ये पूरे बारीक स्मॉल बाइट्स में निकल जाएगा. ये है मेरी दो ब्रेड स्लाइसेस जिनको मैंने क्रम्स बना लिया है और उसमें मैंने थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च डाली है. ये है मेरा कॉर्न स्टार्च जिसे अब मैं डिसॉल्व करूंगी. दो स्पून कॉर्न स्टार्च को मैं थोड़े से पानी में डिसॉल्व करूंगी और इसी में हम अपने क्रिस्पी पनीर कटलेट्स बनाएंगे. ये हमने अपना कॉर्न स्टार्च घोल लिया है और इसमें मैं हल्का सा नमक और बहुत हल्की सी लाल मिर्च फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ. ये मेरा पनीर स्लाइस है. मैंने करीब 200 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पर, और एक बड़ा स्लाइस लिया है कटलेट के लिए. और अब इसमें मैं अच्छे से अपना पनीर सोक करूंगी जिससे सारा कॉर्न स्टार्च इसमें ऊपर नीचे अच्छे से लग जाए. और जैसे ये कॉर्न स्टार्च लगेगा मैं इसे अपने ब्रेड क्रम्स में लगा दूंगी. ब्रेड क्रम्स में अच्छे से चिपकने के बाद मैं इसे नाचोस में प्रेस करूंगी. ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही इजीली बच्चों के लिए बन भी जाती है और उन्हें बहुत टेस्टी भी लगती है. आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें. देखिए ये हमारा कटलेट तैयार हो गया है. पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए आपने इसे बहुत आराम से हैंडल करना है. देखिए हमारे कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं और बस अब मैं इन्हें नॉन स्टिक में सेक लूँगी जिसमें मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे. चलिए इन्हें फ्राई करते हैं. शैलो फ्राई करेंगे हम इन्हें. चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं. बिकॉज इसमें बहुत थोड़ा सा ही घी लगना है तो मैं देसी घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मेरे बच्चों ने ही खाना है. तो अगर आप करें तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें. हम इसे बहुत आराम से पलटेंगे. देखिए ये एक तरफ से कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक गई है. और एक पैन में एक या दो ही कटलेट रखेंगे. देखिए इनका कलर इतना खूबसूरत है और मेरा तो मन कर रहा है कि बस मैं इन्हें खा ही लूँ. मैं सारे बनाती हूँ और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.